देखिए गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंपॉर्टेंट एज रॉस्टी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट द मेन पोजिशन टू वॉट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट राइज ऑन रीचिंग एट एक्सट्रीम पोजिशन इफ 60% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ द एयर। ठीक है, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए। 5 मिनट बैठिए, अभी छुट्टी कर दो, कंसेप्ट समझ लीजिए। यार ये पेंडुलम है, ये वाली जो इसकी पोजीशन है, जो लोएस्ट पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है, ये है इसकी मीन पोजीशन। नहीं समझना, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो पेंडुलम जो मैक्सिमम पोजीशन, मतलब जितनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, इसको बोलते हैं शाबाश, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। भाई ये थोड़ा समझ आ रहा है, यहाँ पर कोई डाउट है? तो पेंडुलम के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, आइडियल कंडीशन अगर है, आइडियल कंडीशन, मैं बार बार कह रहा हूँ आइडियल कंडीशन, ये देखिए, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर, मेरे साथ है यहाँ तक। अगर आइडियल कंडीशन है तो ये यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, और ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जो वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम होगी। ये तो मेरे साथ है, याद रखिए। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम है, और वो जो है वो इक्वल होगी एम वी एच मैक्स के। एच मैक्स मतलब ये वाला, ये जो हाइट है ये एच मैक्स है। मित्रों नहीं समझना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा भाइयों, डाउट है? फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। पेंडुलम के क्वेश्चन में जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, ये बात समझ आएगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ये बात समझ आएगी? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज इक्वल टू एम वी एच। नहीं समझ, जो मीन पोजीशन है, यहाँ जो ये मीन पोजीशन है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, एंड इट इज गिवन बाय हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। नहीं समझ आया, बिल्कुल शाबाश बोलिए। बिल्कुल अरे नहीं भाई, ये ऐसे, ये हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, ये तो मैं आपको उसकी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन का बता रहा हूँ, वो हिल रहा है। ठीक है, हाँ सर बोलिए। जी, आगे कोई बात नहीं। संडे को आएंगे नहीं आएंगे? संडे को सुबह आओगे नहीं आओगे? बर्थडे कब आपका? हैप्पी बर्थडे कब आपका? 20 20 मार्च का। अच्छा जी, आपका डाउट है, आपको बात समझ आ रही है ना भैया? पेंडुलम तो स्विंग कर रहा है, वो तो मैं बीच, सिर्फ मैं आपको सिर्फ उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन दिखा रहा हूँ। बीच में तो यार वो घूम ही रहा है, ऑसिलेट तो कर ही रहा है। यहाँ तक शांति। देखिए, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। नहीं समझ में आया? अच्छा जी, डाउट है? तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो है वो एम वी एच मैक्स होती है। नहीं समझ में आया? ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये मीन पे है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है ये एक्सट्रीम पे है। ऐसा सब कोई डाउट है? रोकी भाइयों, कोई डाउट है? क्वेश्चन में वापस आ जाइए, अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बॉब सिंपल पेंडुलम पॉइंटर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स द मीन पोजीशन, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, भाइयों डाउट है? तो व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट राइज ऑन रीचिंग एट एक्सट्रीम पोजिशन, एंड 60% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। भैया ये जो आपने इसको एनर्जी दी थी हाफ एम वी स्क्वायर, 60% लूज लूज कर चुका है वो। अगर 60% लूज कर चुका है तो उसने रिटेन कितना किया? उसने रिटेन किया सिर्फ 40%। अशोक जी नहीं जाना, तो ये जो 40%, मतलब 40% किसके इक्वल होता है? 40/100, 2/5।
टू फिफ्थ ऑफ एनर्जी जो है, सिर्फ टू फिफ्थ जो एनर्जी है वो एमजीएच में कन्वर्ट हो रहा है भैया। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल, मैं थोड़ा डाउट है। तो ये वाला मास और ये वाला मास कट गया, तो बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 to the 10 है, इसलिए नहीं, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 1/5 आपको नजर आ रहा है, और ये जी वाला 10 है, और ये एच है, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो आपका जो एच आएगा वो किसके इक्वल हो आएगा, B² / 50 के, यहाँ तक क्लियर है। जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 × 5 = 25, तो 25 / 50 करेंगे तो ये 0.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो डाउट है, ठीक भाई डाउट है ये? नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, अगर आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ये सबसे टफ क्वेश्चन है आपके भी, आईबी के भी और आईसीएसई के भी, नहीं करूँगा ठीक है। तो ठीक है आप सर घर से करके ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं।